संभल में कल होगी जुमे की नमाज और नमाज को देखते हुए 30 मजिस्ट्रेट यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। आरोपियों के पोस्टर चस्पा करने की तैयारी हो रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। संभल जहां पर हिंसा की वजह से कई लोगों की जान चली गई, जामा मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर जो कि कोर्ट से आया था, लेकिन जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंची तो वहां पर पथराव हुआ, हिंसा हुई, कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। उसके बाद से संभल में माहौल बेहद तनावपूर्ण है और अब जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है ताकि कोई और घटना यहां पर ना होने पाए। संभल को लेकर जांच जारी है। जिन लोगों की जान गई वो कैसे गई ये पता लगाया जा रहा है। 30 मजिस्ट्रेट लगाए हैं और उसके साथ साथ आज पीस कमेटी की मीटिंग भी कर रहे हैं। सभी जितने भी मस्जिदें हैं उनके जो प्रमुख हैं उन सभी से हमारी बात हुई है। तो पीस कमेटी की मीटिंग के बाद बाइट भी सोशल मीडिया पर जारी करेंगे और कल की जो जुमे की नमाज है वो शांति से अदा होगी और थ्री लेयर सिक्योरिटी जो पिछले जुमे की नमाज पर रही थी, हम सतर्क हैं और संवेदनशील भी है आज के दिन स्थितियाँ, लेकिन सब कुछ नियंत्रण में है और शांत है। उसके ऊपर हमारा ऐसा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हमने अनुरोध किया है कि कम से कम लोग आए। जैसे पिछली बार 700-800 लोग आए थे तो उतने ही आए। चरण सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। चरण सिंह, अब क्या तैयारी है जुमे की नमाज को लेकर? कल शुक्रवार है और कल जो है मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ेंगे, इसको लेकर साथ ही जिला प्रशासन ने 30 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए क्योंकि 6 दिसंबर है, उसको देखते भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो अधिकारियों को भी, दर्जनों अधिकारियों को भी ड्यूटी पर लगाया गया है। PSA और RAF पुलिस के जवान भी लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस देखने को मिले। लेकिन अब संभल जो है एक सामान्य होते हुए चला की ओर जा रहा है और इस तरह से जो है कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन को एक चुनौती होगी कि सामान्य किसी तरह से ना सामान्य संभल को लाया जाए और जिससे लोगों को विश्वास हो कि अब पुलिस ऐसा ना होने देगी। लेकिन यहाँ पर जल कल जुमे की नमाज है और 6 दिसंबर उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। साथ ही जिलाधिकारी से आज बात करते हुए बताया कि यहाँ पर 30 मजिस्ट्रेट तैनात की जाएगी, पुलिस तैनात, पर्याप्त पुलिस बल तैनात की जाएगी। साथ ही कुछ पोस्टर भी बाहर किए हैं और जो जिन्होंने जो है उपद्रव मचाया था और अब उनका जो है चिपकाने की कार्य भी किया जाएगा। अब देखना ये होगा कल जुमे की नमाज होगी तो किस तरह से यहाँ पर शांति व्यवस्था जिला प्रशासन करता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है कृष्ण कुमार बिश्नोया जो SP है उन्होंने भी अपनी अब आज कही थी कि यहाँ पर जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जाएगी, कोई भी शोर नहीं होगा। साथ ही जो उसकी क्षमता है जहाँ मस्जिद की उतने ही लोग उसमें नमाज पढ़ेंगे, उससे अधिक नमाज नहीं पढ़ेंगे, उस पर जो है पाबंदी रहेगी। साथ ही कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब नमाज पढ़ी जाएगी। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर जो लोग दुकानें नहीं खोल रहे हैं या फिर जो ग्राहक कम आ रहे हैं दुकानों पर तो उनको कैसे विश्वास में लाया जाए। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए।